तो क्या हालचाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के मंथली इनकम प्लान के बारे में। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर उनका सेविंग अकाउंट है और वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोई MIS यानी मंथली इनकम प्लान है या नहीं। तो आज ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का मंथली इनकम प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कराता है और साथ के साथ में अगर मैं बात करूँ ना तो काफ़ी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट है, ठीक है, और आप एक फिक्स डिपॉजिट प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर से आप मंथली पे आउट निकाल सकें, वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मंथली इनकम प्लान का फ़ायदा ज़रूर से उठा सकेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं अभी आया हुआ हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पे आप कैसे पहुँचेंगे, गूगल पे जा करके कोटक महिंद्रा बैंक सर्च करेंगे और इसी वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हुए आपको यहाँ पे रेट्स एंड चार्जेस हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर आना है और इस वाले ऑप्शन में आकर के आप क्या करेंगे, सीधा सीधा क्लिक करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर सी ऑल रेट्स के ऊपर। सी ऑल रेट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेविंग अकाउंट के आ जाएंगे बेनिफिट्स और साथ के साथ में यहाँ पे नेचर, यहाँ पे बैलेंस के अंदर अगर डोमेस्टिक अगर आप कर रहे हैं डोमेस्टिक WEF जून 13 तक के लिए अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 3.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। फॉर बैलेंस अबव 50 लाख, अगर आपका बैलेंस 50 लाख से ज़्यादा है तो 4% तक के पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहे हैं। नॉन रेजिडेंस इंजेंस के लिए NRI और NRO के लिए 3.50% से लेकर के 3.50% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। इसी के अंदर थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब वो रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, यहाँ पे अगर लोन्स अगर आप लेना चाह रहे हैं कमर्शियल, या सारी की सारी चीज़ें का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमें फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं तो मैं फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 7 दिन से 14 दिन की अगर FD कराना चाहते हैं तो 2.75% से लेकर के आपको 3.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 2 करोड़ से नीचे है, 2 करोड़ से अगर नीचे FD है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। वहीं अगर बात करें 1 साल की FD के लिए तो 365 डेज की अगर मैं बात करूं 7% तक के FD के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं 7.7% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप 2 साल की FD कराना चाह रहे हैं 7% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और साथ के साथ में अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं 7.5% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो में मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि कितने पैसे पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, सीनियर सिटीजन के लिए क्या मिलेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है अगर आप मंथली इनकम प्लान देख रहे थे। पोस्ट ऑफिस की तरह इसके अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितना पैसा आप इसके अंदर जमा कराते हैं। अगर MIS की बात करें पोस्ट ऑफिस के अंदर तो एक लिमिट लगाई हुई है वहाँ पे, जो है एक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए 4.5 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट के लिए 9 लाख रुपये। यहाँ पे ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप अपने फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करा सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी है कि अगर आपकी FD 2 करोड़ से नीचे है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कितना भी पैसा आप यहाँ पे जमा करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं, 1 साल की FD मान के चलिए आपने कराई, 365 डेज की कराई, नॉर्मल में आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जिसमें मंथली पे आउट आप निकाल सकते हैं 7% के। अगर आप एनुअली पे आउट लेना चाहते हैं तो आपको 7.19% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के अंदर 7.50% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल के लिए अगर रेगुलर बेसिस पे आप निकालना चाहते हैं पैसे को, और 7.71% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं अगर आप एनुअली निकालना चाहते हैं। इसी तरीके से ये सारे के सारे रेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया सीनियर सिटीजन के लिए किस तरीके से होगा, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आकर के आप चेक कर सकते हैं। मैंने कहीं और से नहीं बता रहा हूँ, मैं सारी की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको बता रहा हूँ। मैं लिए चलता हूँ आपको कैलकुलेटर पे।
मैं लेकर के आ गया हूँ आपको कैलकुलेटर पे, जहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। इसी कैलकुलेटर का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और अगर आप इससे कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो किसी भी MIS कैलकुलेटर पे जा करके आप अपनी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ पे 1,00,000 रुपये से FD कराते हैं, 1,00,000 रुपये आपने डिपॉजिट करा दिया FD में 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपको मंथली इनकम कितनी होगी 583 रुपये की। आप ये मैं सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ज़रूरी है। और अगर ऐसा कोई अमाउंट है जो आप करना चाह रहे हैं वो छूट जाए इस वीडियो के अंदर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कीजिए, वहाँ से मैं कमेंट पढ़ करके आपको ज़रूर से बताऊँगा कि आपको मंथली इनकम कितनी मिलेगी। सिर्फ आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैं इतने रुपये से FD कराना चाहता हूँ, 1,00,000 से FD कराना चाहता हूँ। 24 घंटे के अंदर आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से मिल जाएगा। 1,00,000 रुपये डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो 583 रुपये हर महीने आपको 7% के हिसाब से मिलेगा। ये पे आउट आपको मंथली मिलेगा, और जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो आपको ये वाला जो पैसा 1,00,000 जो डिपॉजिट किया है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। अगर इसी FD को अगर 5,00,000 रुपये से अगर आप करा देते हैं, 5,00,000 रुपये से अगर FD करा देते हैं तो हर महीने 2,916 रुपये आपको मिलता रहेगा पूरी ड्यूरेशन के अंदर। 5 सालों के लिए FD मैं बता रहा हूँ, 5 सालों के लिए FD है। अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज 1 साल के लिए अगर FD कराना चाहते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाएगा। इसी तरीके से आप 5 सालों के लिए अगर FD कराते हैं तो आपको हर महीने 2,916 रुपये मिलता रहेगा। वहीं अगर आप इसको 10,00,000 रुपये से FD करा देते हैं, जो 10,00,000 रुपये से FD अगर आप कराएंगे तो हर महीने आपको 5,883 रुपये मिलता रहेगा। इसी तरीके से कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेट सपोज अगर आप FD कराते हैं 40,00,000 से या 50,00,000 से अगर FD कराते हैं तो उसके अंदर आपको कितना पैसा मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 50,00,000 से FD कराते हैं तो हर महीने आपको 2,09,166 रुपये हर महीने मिलता रहेगा। और जब टेन्योर पूरा हो जाएगा, ये 7% के हिसाब से मैंने आपको बताया, और जब टेन्योर पूरा हो जाएगा तो आपको ये पैसा भी जो 50,00,000 आपने लगाया है वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। यानी आपको कितना पैसा मिल रहा है, 29,166 रुपये आपको हर महीने मिलता रहेगा। 29,166 रुपये मिलेगा 5 सालों तक, और फिर ये 50,00,000 भी आपको वापस मिल जाएगा 7% के। और ये 29,000 कब तक मिलेगा, 5 सालों तक हर महीने आपको मिलता रहेगा। यानी 60 महीनों का अमाउंट आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना पैसा आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके मैं आपको बता भी देता हूँ कितना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। ये वाला पैसा आपको मल्टीप्लाई करेंगे 60 महीने के अंदर, तो टोटल जो आपको 1,75,000, ठीक है, मैं आपको बताऊँ 1,75,000 रुपये के आसपास आपका ये टोटल पैसा आ गया, जो पैसा आपको हर महीने मिलता रहेगा। 29,000 अप्रोक्स ये पैसा मिलेगा, फिर ये पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पे बनाते रहते हैं, अगर आपने नहीं देखी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें कमेंट कीजिए। अगर कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो वो चीज़ भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो किस राज्य से आप देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।